एक्सप्रेस के साथ मैं हूं रश्क गौरी। खबरों की शुरुआत कर रहे हैं। छत्तीसगढ़ में विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है और सदन की कार्यवाही कुछ ही देर में शुरू होने जा रही है। सदन में सरकार 4 संशोधन विधेयक पेश करेगी। प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश की कानून व्यवस्था को लेकर भी विपक्ष सरकार से जवाब मांगेगा और सदन में आज मुख्यमंत्री 2500 करोड़ का द्वितीय अनुपूरक बजट भी पेश करेंगे। ध्यान आकर्षण में बीजेपी विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल प्रदेश में कोरोना से मौतों के मामले को उठाएंगे तो प्रदेश के कई जिलों में हाथियों के उत्पात को लेकर भी नेता प्रतिपक्ष की सूचना पर चर्चा हो सकती है। तो चलिए रुख करेंगे राजधानी रायपुर का, जहां पर सहयोगी वैभव शिव पांडे इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ गए हैं, जो आज सदन की कार्यवाही के बारे में ताजा जानकारी देंगे। आज तीसरा दिन है वैभव, और यह शीतकालीन सत्र का आज तीसरा दिन है। सदन भी बहुत छोटा बुलाया गया है। क्या लगता है जो जनता से जुड़े हुए मुद्दे हैं वो उठ पाएंगे, प्रॉपर मौका मिल पाएगा या हंगामे की भेंट चढ़ जाएगा सदन? देखिए, जिस तरह के विषय है उसमें तो स्वाभाविक तौर पर ऐसा लग रहा है कि हंगामा काफी होगा और बहुत जोरदार तरीके से होगा, क्योंकि जो विपक्षी सदस्य हैं वो खास तौर पे कानून व्यवस्था, कोरोना काल की जो परिस्थितियां रही है छत्तीसगढ़ के भीतर में, इन विषयों को लेकर के काफी नाराज हैं। और धान खरीदी की जिस तरह की व्यवस्था अभी चल रही है उन विषयों को लेकर के भी विपक्षी सदस्य बेहद नाराज है। और इस पर जो सरकार की तरफ से जिस तरीके से जवाब आना चाहिए था वो जवाब भी अभी तक ठीक से नहीं आ पाए हैं। तो आज जिन मुद्दों को सदन में उठाया जाएगा विपक्षी सदस्यों की तरफ से, उसमें कोरोना संक्रमण से जुड़े हुए विषय सबसे महत्वपूर्ण है, और साथ ही जो धान खरीदी और तमाम व्यवस्थाएं जो है खाद्य विभाग से जुड़े हुए विषय हैं वो भी महत्वपूर्ण है, और कानून व्यवस्था से जुड़े हुए मसले। तो ये तीन ऐसे जो है मुद्दे हैं जिसको लेकर के सदन में हंगामा होने के आसार स्वाभाविक तौर पर नजर आ रहे हैं, क्योंकि कोरोना संक्रमण में कुछ बातें ऐसी रही है जिसमें आम लोगों को सीधे तौर पर परेशान होना पड़ा है, जैसे कि जांच के मसले को लेकर के हो या फिर उनके जो है दवाई जांच में जो पैसे लगते हैं उनको लेकर के हो या फिर निजी अस्पतालों की जो मनमानी अपनी रही है, उन तमाम ऐसे जो है विषय रहे हैं जो आज विपक्षी सदस्य जिसको उठाएंगे और सरकार निशाने पर होगी। इसके साथ ही जो कानून व्यवस्था, जैसे कि लगातार देख रहे हैं आपराधिक घटनाएं जो है बढ़ी है, राजधानी रायपुर के आसपास के इलाकों में हत्याएं की घटनाएं लगातार हो रही है। अभी जो है 2 दिन पहले मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के अपने विधानसभा क्षेत्र पाटन अमलेश्वर थाना से बिल्कुल चंद किलोमीटर की दूरी पर 4-4 हत्याएं एक ही परिवार के हो जाती। तो ये कानून व्यवस्था से जुड़े हुए ऐसे मसले हैं जिस पर कि गृह मंत्री आज ताम्रध्वज साहू को जवाब देना है और खाद्य मंत्री अमरजीत भगत को भी जवाब देना पड़ेगा कि धान खरीदी की व्यवस्थाएं समुचित तरीके से चल रही या नहीं, क्योंकि खरीदी व्यवस्था के दौरान ही 2 किसानों ने आत्महत्या कर ली। तो ये आत्महत्या जो है क्योंकि इसके पीछे के क्या कारण रहे हैं ये भी महत्वपूर्ण रहेगा। एक की मौत तो जो है धान खरीदी केंद्र में हुई, बीमारी की वजह से उनकी मौत को बताया गया है, लेकिन उसके पीछे कई और कारण भी निकल कर सामने आए हैं। तो ऐसे विषय हैं जिस पर कि आज मंत्रियों को जवाब देना है और वो सदन में विपक्षी सदस्यों को। तो मान लिया जाए बहुत लंबे वक्त बाद यहाँ पे विपक्ष को, खास तौर से भारतीय जनता पार्टी को मुद्दे मिले हैं और इन तमाम मुद्दों को भुना लिया जाएगा क्योंकि विपक्षी दल की संख्या उतनी नहीं है जितनी होनी चाहिए थी। तो क्या बहुत प्रोमिनेंट तरीके से अपनी बातों को विपक्ष मनवाने में क्या कामयाब यहाँ पे साबित हो पाएगी? देखिए, संभावना है, क्योंकि देखिए विपक्षी सदस्यों की संख्या बहुत कम जरूर है, लेकिन विपक्षी सदस्यों की जो कम संख्या है उसमें कुछ नेता ऐसे हैं जिनको कि लंबे समय से जो है विधायक हैं और जिनको विधानसभा के कामकाज की बहुत अच्छी तरीके से जानकारी है, सदन में किन मुद्दों को कितना उठाना है, किस रूप में उठाना है, ये वो बहुत अच्छी तरीके से जानते हैं। और यही वजह है कि कल नेता प्रतिपक्ष, माफ कीजिएगा, परसों जो नेता प्रतिपक्ष जो है विधानसभा, धर्मलाल कौशिक, उनके तरफ से जो कोरोना संक्रमण से जुड़े हुए विषय उठाए गए हैं तो उस पर जांच के आदेश सरकार को देने पड़े हैं। तो जाहिर तौर पर चाहे वो ब्रिजमोहन अग्रवाल हो, धर्मलाल कौशिक हो, खुद रमन सिंह हो, या फिर अजय चंद्राकर या धर्मजीत सिंह हो जो कि जनता कांग्रेस छत्तीसगढ़ के विधायक दल के नेता है, या बहुजन समाज पार्टी के जो विधायक दल के नेता हैं, विधायक हैं,
चंद्र जो है उनके तरफ से भी ये बातें लगातार उठाई जा रही है कि सरकार के जो विभिन्न विभाग हैं वहां पे किस तरह की जो है अव्यवस्था का आलम है और वहां से जो है मंत्रालय ठीक से नहीं चल पा रहे हैं। तो जाहिर तौर पर भूपेश सरकार के जो मंत्री हैं वो विपक्षी सदस्यों के निशाने पर हैं और ये सवाल उठ रहे हैं, इन सवालों का जवाब देना होगा। सत्र जरूर छोटा है लेकिन इस छोटे सत्र में निश्चित तौर पे मुद्दे जो आ रहे हैं वो जनहित से जुड़े हुए मुद्दे हैं, ठीक है, और इस पर सरकार को जवाब देना है, जवाब देना होगा, जवाब देना लाजमी भी हो जाता है। वहीं अगर एक और समस्या को लेकर अगर हम बात करते हैं, छत्तीसगढ़ में हमने देखा है कि किस तरह से हाथियों का उत्पात हमने देखा है और इन हाथियों के उत्पात की वजह से न केवल फसलें खराब होती हैं बल्कि लोगों की जो ग्रामीण क्षेत्र में जो रहने वाले लोग हैं उनकी मौतें भी हो रही हैं और इन हाथियों ने अब शहर की ओर भी रुख करना शुरू कर दिया। इसको लेके क्या मतलब सरकार के पास क्या रूपरेखा है, क्योंकि वन विभाग तो बिल्कुल उदासीन नजर आता है, उसके पास ऐसा कोई भी पैरामीटर नहीं है जिससे इनके उत्पाद से निजात मिल सके, तो इसको लेके अपने सदन में क्या जवाब दिया जाएगा वन मंत्री के द्वारा? निश्चित तौर पर एक बड़ी समस्या है छत्तीसगढ़ के भीतर में और यही वजह है कि लेमरू प्रोजेक्ट जो है सरकार लेकर के आई है, लेकिन इस प्रोजेक्ट को जो है धरातल पर ला पाना बहुत बड़ी चुनौती है सरकार के सामने, क्योंकि जो लेमरू प्रोजेक्ट वाले हिस्से हैं वहां पे जो आदिवासी हैं वो कई जो है सरकार की नीतियों को लेकर के खफा भी हैं और वो विरोध भी कर रहे हैं। बीते दिनों हमने देखा था कि टीएस सिद्धो को जो है आदिवासियों के बीच जाना पड़ा और उनको ये कहना पड़ा कि मैं आप लोगों के साथ में हूँ। तो ऐसे विषय तो हैं जिस पर कि वन मंत्री को जो है एक बड़ी चुनौती है कि उस पर जवाब किस तरीके से दिया जाए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बीती सरकार में जो घटनाएं हो रही थी वो घटनाएं रुक गई है, वर्तमान सरकार में भी बीते दो सालों में जिस तरीके से हाथियों की मौत हुई है, दर्जन भर से भी जो है अधिक हाथी जो है वो मारे गए हैं और उनकी सुरक्षा को लेकर के कोई अभी व्यापक रणनीति नजर नहीं आती है। तो निश्चित तौर पर वन मंत्रालय भी जो है विपक्षी सदस्यों के निशाने पर है, लेकिन इन सब के बावजूद सरकार जिस तरीके से विपक्षी जो है सदस्यों को डिफेंड कर रही है उसमें सरकार के पास अपनी जो कार्य योजना है और आगामी दिनों में किस तरीके से उसको क्रियान्वित किया जाएगा वो बताने के लिए चीजें भी है, खासतौर पे जैसे कि रविंद्र चौबे हैं जो कि सरकार की तरफ से विभिन्न मसलों पर जो है सटीक जवाब देने के लिए जाने जाते हैं, संसदीय कार्य मंत्री हैं, तो सरकार के पास ऐसे कुछ चेहरे हैं जिनके बदौलत जो है विपक्षी सदस्यों से मुकाबला किया जा सकता है, न केवल डिफेंड किया जा रहा है बल्कि काउंटर क्वेश्चन भी इस तरह से उनके पास रहते हैं कि विपक्ष भी कई बार तो मतलब उसको समझ ही नहीं आता कि अब दोबारा क्या सवाल किया जाए। आप नजर बनाए रखिएगा सदन की कार्यवाही को लेकर, दिन भर हम आपसे अपडेट लेंगे। बहरहाल अब तक की जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो